बिस्मिल्ला करें जी मेरा नाम हुमायूं सईद है पर सारे मुझे लुच्चा कहते हैं <laughs> मेरी सबसे बड़ी ख़ूबी मेरा फ्लर्ट है मुझसे कभी झूठ की उम्मीद न रखना सच्चे तीन अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं हम्बल सच्चा और जेन्युइन मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी खूबसूरती है आए। बहुत ही ट्रुथफुल प्रोफाइल था ये। नेक्स्ट मेरा नाम महविशयात है पर सारे मुझे बिल्ली बुलाते हैं मेरी सबसे बड़ी ख़ूबी मेरी खाना खाने की सलाहियत है मुझसे कभी आ, पैसों की उम्मीद न रखना तीन अल्फाज जो मेरी शख्सियत को बयान करते हैं खूबसूरत कंजूस <laughs> और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी पैसा है पैसा वह एंड मैंने कर दिया बाकी तुम तो एक कर बिल्कुल ठीक है हाँ। बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट पे आए बहुत हाँ मज़ेदार मेरा नाम माहिरा ख़ान है पर सारे मुझे ख़ान साहब बुलाते हैं मेरी सबसे बड़ी ख़ूबी मेरी हसीन स्किन है मुझसे कभी बदसूरती की उम्मीद ना रखना अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं छिछोरी हसीन एंड सेक्सी इफ आई कैन कॉल दैट ऑन टीवी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है सच्चे दोस्त ये कमजोरी है हाँ सच्चे दोस्त ही मरवाते हैं दोस्त आपको ये तो फैक्चुअल बात है होने चाहिए सच्चे दोस्त ऑफकोर्स होने चाहिए इंडस्ट्री से बाहर होने चाहिए आपका सच्चा दोस्त कौन है उसका नाम ले आज यार मेरा सच्चा दोस्त uh, <laughs> मेरा दोस्त नहीं है कोई यू डोंट बिलीव इन द ऑफ अ बेस्ट फ्रेंड आई डू बट सी देयर इज अ प्रॉब्लम मेरे जो पहले वाले दोस्त थे क्योंकि अब ये बहुत लोग इससे नहीं क्योंकि मैं देखता हूँ साथ ये मसले नहीं है ये मेरे साथ हैं hmm. तो शायद मेरे ही कोई प्रॉब्लम्स होंगे मेरे बचपन के दोस्त भी मेरे दोस्त अब नहीं रहे बिकॉज uh, मैं बहुत बिजी था एक सर्टन पॉइंट पे एंड देवर ऑल फ्रेंड्स टुगेदर okay. अब मैं मूव ऑन कर गया हूँ अब वो मुझे वहां एडजस्ट नहीं कर पाते मुझे ऐसा लगता है मैं भी नहीं हो पाता अब इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा ना अब ये बड़ी अजीब सी बात है मैं बहुत थोड़ा सा हो गया हूँ बड़ा सा हो गया हूँ एज वाइज मुझसे दोस्ती नहीं कोई करता अब सब मुद्दे पे हैं ऐसा होते कभी है। नहीं बोल रहा मैं सही कह रहा हूँ अच्छा आप नहीं अभी नहीं जल्दबाजी मत कर सच्चा दोस्त बनूंगा

कैच छोड़ता भी हूँ तो उनकी शक्ल पे गाली वाला एक्सप्रेशन भी होता मेरा <laughs> वो एक अलग जगह हो जाती है वहाँ पे मैं फाद मुस्तफ़ा नहीं रहता एक्टर्स भी है मेरे साथ कुछ खेलते hmm. हैं और जैसे समी मेरे साथ खेलता है समी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड समी कह देता है कुछ भी कह देता है ऐसे इस तरह के जो लोग हैं वो आपको अगर आपको वो एज ए स्टार जज ना करें तो फिर बड़ा अच्छा लगता है आप बाकी सारे ना आपको नहीं बोल पाते बहुत कुछ हमारा शो आपको लग रहा होगा खत्म हो गया लेकिन अब आप अभी करो, की तरफ कर, हाँ। और उसका सेट लगाएं। जैसे इंसान ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता ऐसे ही पानी के बगैर भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं पीने का साफ पानी इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ते इशूज की वजह से दुनिया भर में पानी की कमी भी बढ़ती जा रही है दुनिया के 17 कंट्रीज एक्सट्रीमली हाई वाटर रिस्क नेशंस में कंसीडर किए जाते हैं और पाकिस्तान उनमें से फोर्टीन नंबर पर है पाकिस्तान की 80 परसेंट पॉपुलेशन सवेर वाटर शॉर्टेज फेस कर रही है इन हालात के बावजूद पाकिस्तान अपने वेस्ट वाटर का सिर्फ 1 परसेंट वाटर ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल बनाता है जो कि दुनिया की सबसे कम परसेंटेज है वाटर शॉर्टेज की वजह से जहां हमारी जिंदगियां मुतासर हो रही हैं वहीं सबसे ज़्यादा खतरा एग्रीकल्चर सेक्टर को है हम सब पाकिस्तानियों की हकूमत से रिक्वेस्ट है कि वाटर शॉर्टेज के, के इशू पर गौर किया जाए और ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिनसे हम फ्यूचर में इस मसले को पढ़ने से रोक सकें लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ हकूमत की नहीं हमें खुद भी पानी को ज़ाया होने से बचाना है डू दी अर्थ सेवर से थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छी बात की आपने गुड इस बात पर गौर फरमाएं और आपसे मिलेंगे हद कर दी कि अगले एपिसोड में थैंक यू सो मच